नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मराठाओं को शिक्षा व सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने से संबंधित बिल को मंजूरी मिल गई। मराठा आरक्षण को लेकर आज विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। विधानसभा में पेश करने से पहले इस बिल को कैबिनेट में हरी झंडी मिली थी। वहीं अब विधानसभा में बिल के पारित हो जाने के साथ ही राज्य में आरक्षण की अधिकतम सीमा 62% हो जाएगी। ऐसे में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक हो जाने के चलते इस बिल को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर इस बिल को लेकर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि इसमें मराठाओं की मांग को पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया गया है, बल्कि इस बिल की वजह से आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। ऐसे में मराठा समाज को इस तरह का आरक्षण चाहिए जो ओबीसी कोटे से हो और 50% के नीचे रहे। मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जसा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला तसा निर्णय इतर जे काही मुद्दे आहेत त्या बाबतीत देखील सकारात्मक पद्धतीने घेईल, कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता। आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना एवढंच सांगतो की या आपल्या सभागृहाला देखील विनंती करतो की एकमताने आजचं हे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आपण जो निर्णय घेतलेला आहे त्याला एकमताने आपण मान्यता देऊया आणि एकमताने हे विधेयक मंजूर करावं अशा प्रकारची विनंती मी आपल्याला करतो। घेतलेला निर्णय अतिशय धाडसी निर्णय आहे, ऐतिहासिक निर्णय आहे आणि हा टिकणारा निर्णय आहे, ही जबाबदारी आम्ही सरकारची आहे। धन्यवाद। आता विधेयक खंडाच्या विचारात घेण्यात येईल। खंड 2 ते 20, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। खंड 2 ते 20, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले। प्रभारी मंत्री। इसी मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक का कांग्रेस शुरुआत से समर्थन कर रही थी और मराठा समाज को आरक्षण मिलने की कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह भी चाहती थी कि आरक्षण अदालत में टिकने वाला और कानून की कसौटी पर आधारित होना चाहिए, जिसकी ओर उन्होंने सभागृह में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा किए जाने की मांग की, लेकिन सरकार द्वारा विपक्ष को सभागार में बोलने ही नहीं दिया गया। कुल मिलाकर सरकार ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मराठा समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। अमरावती पंचायत समिति के शिक्षा विभाग में कार्यरत पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति के साथ बियानी शिक्षा संस्था में लेक्चरर पद पर नियुक्ति की एवज में पैसों के लेनदेन को लेकर कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट के तार अब सीधे ब्रिजलाल बियानी शिक्षा संस्था से जुड़ते नजर आ रहे। जाधव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों में से अतुल पुरी नामक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया था, जिसे आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के सामने पेश किया गया, जहाँ पर अतुल पुरी ने सीपी रेड्डी के सामने यह कबूल किया कि प्रशांत राठी द्वारा ब्रिजलाल बियानी शिक्षा संस्था में अलग अलग पदों पर नौकरी दिलाने के लिए कई लोगों से धन उगाही की गई और लाखों रुपए का आर्थिक लेनदेन करते हुए कुछ लोगों को संस्था में नौकरी भी दी गई। इस जानकारी के सामने आते ही अमरावती शहर पुलिस ने ब्रिजलाल बियानी शिक्षा संस्था के विगत 4 वर्ष के रिकॉर्ड को खंगालने का निर्णय लिया है। साथ ही अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए संगठित तौर पर काम करने वाले संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ मकोका लगाए जाने की तैयारी भी की जा रही है। ऐसी जानकारी शहर पुलिस से जुड़े कुछ बेहद विश्वसनीय सूत्रों ने विशेष तौर पर मंडल न्यूज के साथ साझा की। इसके साथ ही पुलिस ने यह आह्वान भी किया है कि अब तक जिन जिन लोगों ने बियानी शिक्षा संस्था के किसी पदाधिकारी को भारी भरकम राशि अदा करते हुए नौकरी हासिल की है अथवा जिन लोगों को पैसे देने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली है, वे शहर पुलिस की अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा व फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मंडल न्यूज द्वारा भी यह आह्वान किया जा रहा है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने बियानी शिक्षा संस्था के किसी पदाधिकारी को नौकरी प्राप्त करने के लिए भारी भरकम राशि अदा की है, फिर चाहे उसे नौकरी मिली है अथवा नहीं मिली है, तो वे मंडल कार्यालय से संपर्क करते हुए इसकी जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इस बीच बिहानी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश लड्ढा के हस्ताक्षर के साथ संस्था ने दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज के नाम एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि प्रशांत ठाकुरदास राठी से संस्था का कोई संबंध नहीं है तथा प्रशांत राठी के पास संस्था का कोई भी पद अथवा उत्तरदायित्व भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा आगामी 22 फरवरी को सुबह 11 बजे संस्था के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की इसी विषय को लेकर एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई गई। विश्वसनीय सूत्रों द्वारा मंडल न्यूज को दी गई जानकारी के मुताबिक अतुल पुरी ने सीपी रेड्डी को यह भी बताया कि पैसों के इस खेल में कई बार पात्र अभ्यर्थियों को छोड़कर ज्यादा पैसा देने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति दी गई, जिससे स्पष्ट कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः इस खेल में शिक्षा विभाग की भी संलिप्तता थी और इस मामले को लेकर एक बड़ा रैकेट सामने आने की संभावना है।
राजापेट परिसर में बने रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर तिगड्डे वाले स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किए जाने को लेकर गत रोज प्रशासन व युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों के बीच अच्छा खासा तनाव उत्पन्न हो गया था। वहीं अब युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रवक्ता जीतू दुधाने ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुतला स्थापित करने हेतु कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव तक रेलवे ओवरब्रिज पर पुतला स्थापित करने को लेकर शांति वाला माहौल रहेगा। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के लिए प्रधानमंत्री उच्चतम शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 20 फरवरी को सुबह 11 बजे ऑनलाइन पद्धति से समूचे देश में पीएम उषा पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि सभी विद्यापीठों में शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर ऊंचा उठाने तथा शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं का सृजन करने हेतु निधि को मंजूरी दी गई है, जिसका शिक्षा क्षेत्र को निश्चित तौर पर फायदा होगा। इस योजना को शुरू करने हेतु आज संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सीनेट सभागृह में कुलगुरु मिलिंद बारहाते की अध्यक्षता के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नए शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 से राज्य की 264 संस्थाओं को नए महाविद्यालय शुरू करने हेतु इरादा पत्र देने का निर्णय राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। इसके तहत संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कार्यक्षेत्र अंतर्गत 29 नए महाविद्यालय शुरू करने को मान्यता प्रदान की गई है। 800 करोड़ की लागत से बने बढ़नेरा के वैगन कारखाने से 2000 प्रत्यक्ष व 5000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने जा रहे हैं। कारखाने के लोकार्पण हेतु प्रधानमंत्री मोदी को लाने का प्रयास रहने की बात सांसद नवनीत राणा द्वारा कही गई। सांसद नवनीत राणा ने आज सुबह कारखाने का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, साथ ही मध्य रेलवे के अधिकारियों तथा कारखाने के अधिकारियों व अभियंता से जानकारी भी ली। अमरावती शहर को वर्ष 2055 तक नियमित व भरपूर जलापूर्ति करने की दृष्टि से विधायक सुरभा खोड़के द्वारा केंद्र सरकार की अमृत 2 योजना में अमरावती की विस्तारित 985 करोड़ की जलापूर्ति योजना को केंद्र सरकार की शिखा समिति ने मान्यता दी है, जिससे योजना का कार्य जल्द से जल्द शुरू होने का रास्ता खुल गया है। इस हेतु केंद्र सरकार व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए विधायक खोड़के ने कहा कि केंद्र सरकार की शिखा समिति द्वारा योजना को मंजूरी देने से अब यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूरा होगा। फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में गर्मी अपना असर तेज कर रही है। विदर्भ के लगभग सभी शहरों में तापमान 35 से 36 डिग्री को पार कर गया है। अकोला में 36.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है, जो विदर्भ क्षेत्र में सबसे गर्म कहा जा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने इसी सप्ताह तापमान में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने का अंदेशा व्यक्त किया है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा कल 21 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा के लिए 537 केंद्र तय किए जाने की जानकारी संभागीय शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई तथा बताया गया कि संभाग में कुल 149,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। धनगर समाज बंधुओं द्वारा आगामी 25 फरवरी की सुबह 10:30 बजे मोर्शी रोड स्थित सांस्कृतिक भवन में राज्य स्तरीय धनगर समाज उपवधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में समूचे राज्य से लगभग 700 उपवधु वर उपस्थित रहने की जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा दी गई। आमचा राज्य स्तरीय धनगर समाज उपवधु वर परिचय मेळावा हा 25 फेब्रुवारी 2024 रोजी श्री संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन मोर्शी रोड अमरावती येथे होऊ घातलेला आहे। सदर मेळाव्यामध्ये आम्ही दरवर्षी मंगल योग परिचय पुस्तिकेचं प्रकाशन करतो। त्या परिचय पुस्तिकेमध्ये साधारणतः 700 वर म्हणजे उपवधूरांचे बायोडाटा समाविष्ट असतात। मेलघाट के आदिवासी बच्चों की शिक्षा का महत्वपूर्ण विषय लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बंड्या साने आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। इस समय उन्होंने आरडीसी भटकर तथा जिला परिषद में डिप्टी सीईओ के सामने मेलघाट के गांवों में शैक्षणिक सुविधाओं के घोर अभाव का विषय रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विश्राम गृह में शहर व जिला समीक्षा बैठक ली गई। इस समीक्षा बैठक में राज्य समन्वयक शेखर माने द्वारा राकाबा के सभी सेल की संगठनात्मक जानकारी एकत्रित की गई। भातकुली के आशीर्वाद मंगल कार्यालय के पास निर्मित संत गजानन महाराज के भव्य मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का सुंदर अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसके तहत आज दोपहर बड़े हर्षोल्लास के साथ गजानन महाराज की प्रतिमा की नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में हजारों भावी श्रद्धालु उमड़े। नमो युवा क्रीड़ा संस्था द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सहयोग से आगामी 23 से 25 फरवरी के दौरान नेहरू मैदान पर भव्य विदर्भ स्तरीय व राज्य स्तरीय महिला व पुरुष शिव केसरी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस कुश्ती स्पर्धा में विजेताओं को लाखों रुपयों के नगद पुरस्कार सहित महिला व पुरुष केसरी गुट में चांदी की गदा प्रदान की जाएगी। आयोजन को लेकर नेहरू मैदान पर जमकर तैयारियां चल रही है।
चिखलदरा पुलिस ने संदेह के आधार पर एक ईरानी महिला व दो पुरुषों पर लगातार दो दिनों तक नजर रखी। इस दौरान पता चला कि इन तीनों लोगों के खिलाफ ठाणे जिले के खड़कपाड़ा व रायगढ़ जिले के खालापुर पुलिस थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे वांछित आरोपी हैं। ऐसे में अपराध शाखा ने तुरंत रायगढ़ व थाने पुलिस से संपर्क करते हुए इन तीनों लोगों के बारे में जानकारी दी और दोनों जिलों की पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को पकड़ने में ग्रामीण पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने यावर अब्बास कासिम हुसैन, खादम हुसैन काजिम हुसैन सैयद तथा खुबरा कादम सैयद इन तीन लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें मुंबई से आए पथक के हवाले किया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विलासनगर में पुरानी आरा मशीन के पास भारत उर्फ मक्खी गुहे ने परिसर में रहने वाले सचिन काड़े से शराब पीने के लिए पैसे मांगे और सचिन काड़े द्वारा इनकार किए जाने पर उसकी गर्दन के पास लंबा धारदार चाकू घुमाया जो सचिन के गले के नीचे की ठुड्डी और चेहरे के दाहिने हिस्से पर लगा, जिसके बाद भरत गुहे ने सचिन काड़े की जेब से 500 रुपए निकाले और भाग गया। सचिन काड़े की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फ्रिजरपुरा थाना क्षेत्र में मासूद रोड पर नचर ऑयल मिल के पास विगत 40 वर्ष से चौकीदारी करने वाले 85 वर्षीय बर्डे नामक व्यक्ति की आकस्मिक मौत हो गई। मृतक के रिश्तेदारों की तलाश के लिए फ्रिजरपुरा पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने का अनुरोध किया है। गाड़गेनगर में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर सोमवार की दोपहर 12:30 बजे खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह करने वाले प्रवीण इंगले देशमुख नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने का समाचार आज दोपहर प्राप्त हुआ। प्रवीण को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया था, जहां पर उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही थी। अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रवीण इंगले द्वारा इस तरह का आत्मघाती कदम क्यों उठाया गया। शहर के आसिम नगर में रहने वाला 21 वर्षीय युवक मोहम्मद उमेर मोहम्मद रफीक विगत एक पखवाड़े पहले लापता हो गया था, जिसे नागपुरी गेट पुलिस ने उत्तर प्रदेश से खोज कर सकुशल अमरावती वापस लाने में सफलता प्राप्त की। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने पूरे देश में चर्चित लुटेरे करण सिंह जगसिंह भादा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी के पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। कैंप परिसर के पुराना बियाणी चौक से होते हुए अपने घर की ओर जा रही 53 वर्षीय महिला के गले पर झपट्टा मारकर 2 अज्ञात दुपहिया सवारों ने 14 ग्राम सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। बडनेरा में 18 व 19 फरवरी को चलाए गए अभियान के तहत अवैध व्यवसाय करने वालों के यहां पुलिस के दल ने छापा मारकर शराबबंदी कानून व महाराष्ट्र जुगाड़ कानून के तहत कार्रवाई कर हजारों रुपयों का माल जब्त किया, साथ ही कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। ग्रामीण अपराध शाखा के पुलिस के दल ने नांदगांव खंडेश्वर तहसील के कोठोड़ा से कार्तिक इंगोले नामक 24 वर्षीय चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया। कार्तिक इंगोले ने 18 फरवरी को अपने ही रिश्तेदार बुजुर्ग महिला के गले से 11 ग्राम सोने की चेन चुरा ली थी और भाग गया था। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दुपहिया वाहन चोरी की घटनाओं की जांच करते हुए ग्रामीण एलसीबी के दल ने वरुड़ के एक नाबालिग को धर दबोचा, जबकि उसका एक साथी अब भी फरार है। इस नाबालिग ने अमरावती, नागपुर, वर्धा व मध्य प्रदेश सहित विभिन्न शहरों से कुल 8 दुपहिया वाहन चोरी करने की कबूली दी। यवतमाल जिले के माहौर से महानुभाव पंथियों की पदयात्रा सोमवार को दारवा तहसील के चिकनी कामठावाड़ा पहुंची, जहां पर पदयात्रा में शामिल भक्तों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भोजन करने के उपरांत कुछ ही देर के भीतर अधिकांश लोगों को उल्टी व जी मचलाने की तकलीफ होनी शुरू हो गई और बड़े पैमाने पर लक्षण बढ़ जाने के चलते मरीजों को दारवा व दिग्रस के अस्पतालों में रेफर किया गया, जहां पर 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती करते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। बुल्ढाणा जिले के मानेगांव में रहने वाली रुकमा रत्नपारखी की सास और 2 बच्ची सहित विवाह समारोह में गई थी, लेकिन वापस आते समय झाड़ेगांव के निकट उसके ऑटो को नांदुरा की ओर से पिंपल गांव काले की तरफ जाने वाली जीप ने टक्कर मारी। इस हादसे में पूर्वी रत्नपारखी नामक 5 वर्षीय बच्ची की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं रुकमा रत्नपारखी को गंभीर अवस्था में खामगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद जीप का चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।